ये देखिए गाइस, अंकल सो रहे हैं, घड़ी के बजे हुए हैं 5:30, लेकिन मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करूंगी, उनको सोने देते हैं। चलो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गाइस घड़ी में बजे हुए हैं 5:30 जी हाँ, और मैं आ गई हूँ नीचे क्योंकि मुझे जाना है रेलवे स्टेशन। जी हाँ, अभी आप देख सकते हो नाइट का टाइम है, मतलब फैंसी गाइस। सो गाइस, अब मैं आपको सीधे मिलूंगी रेलवे स्टेशन पर। जी हाँ, आज ट्रेन से सफ़र है मेरा, और मैं कहाँ जा रही हूँ वो भी एक सीक्रेट ही कर लेते हैं। चलो तो जी गाइस, सफ़र स्टार्ट हो गया था मेरा और मैं ट्रेन में बैठी थी आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। बहुत टाइम हुआ मैं ट्रेन में नहीं बैठी थी, अकेली थी और मैं तान्या को मिस कर रही थी बहुत, बिकॉज कई बार तान्या मेरे साथ होती है और होती थी, अभी तो वो हॉस्टल में है, तो अकेले ही इंजॉय कर रही हूँ सफ़र को। फाइनली मैं पहुँच गई हूँ दीदी के घर, नज़दीक है। सो गाइस, मैं आ चुकी हूँ दीदी के घर, आप देख सकते हो। अभी मैं अंदर जाऊँगी और मिलूँगी सबसे, और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में आफ्टर फ्रेश। सब लोग ठीक हैं गाइस? आप प्रार्थना करना गाइस, मैं जल्दी जल्दी ठीक हो जाऊं और फिर हम लोग चलेंगे घूमने मस्ती करने। अभी तो मैं बहुत परेशान हूँ गाइस, बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है गाइस, दर्द होता है बहुत ज़्यादा। अभी पेशेंट पड़ी हुई है एकदम से। कोई नहीं, मैं 3 दिन के लिए आई हूँ, मैं अच्छे से टेक केयर करके तुमको ठीक कर दूँगी। एक्चुअली मम्मी थी यहाँ पे, अभी मम्मी मैं आई हूँ तो मम्मी चली गई हैं किसी वर्क को करने के लिए गाँव, तो मैंने मम्मी को बोला आप जाओ अपना काम करा के आओ और 3 दिन के बाद आप आ जाना, मैं संडे तक हूँ यहाँ पे, मैं मंडे को आऊँगी नोएडा। तो मम्मी चली गई हैं, अभी मैं हूँ दीदी के पास, तो उसको अच्छे से टेक केयर करना है। गाइस ऐसा लगता है ऐसे मेरी पुरानी वाली लाइफ कब आएगी पता नहीं, अभी तो इस टाइम यही लग रहा है। पुरानी वाली लाइफ आ जाएगी थोड़ा टाइम, 15 डेज लग जाएगा, 1 मंथ 15 डेज, 1.5 महीने तक डॉक्टर ने रेस्ट बताया है, तो रेस्ट करना पड़ेगा बिकॉज इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है और स्टोन था, जैसे कि मैंने आपको बताई दिया है सारी चीज़ें गाइस, स्टोन थे, स्टोन तो बेकार ही होते हैं, ऑपरेशन से ही निकलते हैं। तो चलो, मैं दूध में आपको पत्ती लगानी है ना, दूध में? हाँ जी, डॉक्टर ने बोल दी दूध में पत्ती लगानी, दूध में पत्ती, दूध नहीं पीना है, सिर्फ पत्ती, अदरक, अदरक थोड़ा सा अदरक डाल देना। अच्छा अच्छा, लाइट मीठा ये पीना है तुमको, मतलब दूध नहीं बोला डॉक्टर ने? नहीं। अच्छा अच्छा, काफ़ी सारे परहेज हैं यार इसके तो। चलो मैं बना के लाती हूँ और मैं अपने लिए चाय भी बना लूँगी, पहले गरम गरम चाय मेरी दीदी मुझे बना के दे देती थी, अभी तो ये खुद ही पड़ी हुई है बिस्तर पे, तो मैं ही बना के दूंगी अभी इसको। गोलू वहाँ पे भी सो रही है गाइस, यू कैन सी, यहाँ पे 9 बजे तक मैं आ गई हूँ यहाँ पे। मैं मिलती हूँ आपसे, दूध में पत्ती वत्ती दे देती हूँ, चाय बना लेते हैं फिर, मैं थक गई हूँ थोड़ा सा, मैं भी सो जाऊँगी। ये देखो, और ये है मेरे भैया के बच्चे, प्यारे प्यारे छोटे छोटू से, प्लीज कृष्णा, इसका नाम भी है कृष्णा। और देखो ये छोटी छोटी सी बाबू है काजल, काजल हेलो करो, काजल हेलो करो। आपको एक चीज़ बताती हूँ गाइस, ये देखो ये छोटा सा डॉगी है और इसकी जो गर्दन ऐसे ऐसे कर रही है ना, ये उसके फेस के एक्सप्रेशन दिखाना चाहती हूँ, वेट काजल, ये देखो गाइस कैसे कर रही है। 1 2 3 नहीं करेगी बुआ, नहीं करेगी, चलो इसे छुपा देते हैं, ये गाइस बहुत क्यूट है वैसे तो, बुआ नहीं करेगी, बट ये मास्क देख के डर रही है। नहीं बुआ जी, बुआ नहीं करेगी, बुआ नहीं करेगी, अभी मास्क पहन लिया ना बुआ ने, पहचान में नहीं आ रही है बुआ ना, वो पहचान में नहीं आ रही, गाइस वो मेरा फेस रिवील कर देगी। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं।